वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सी सिंपल सी हमारे यहाँ की फेवरेट आलू पालक बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए सबसे पहले हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और अब उसमें हम डालेंगे 4 से 6 टेबलस्पून तेल। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मुनासिब सा तेल अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं ज़रूरत है। तो चले ये डाल दिया हमने और अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। तो ये डाल देते हैं, तेल के साथ ही ये गरम होगा। चलिए ये सॉटे हो रहा है, जब तक हम आपको बता देते हैं कि देखें यहाँ हमारे पास आलू है, 1 किलो आलू। मेरा ये 1.5 आलू था तो उसको मैंने इस तरह से मोटे मोटे इस तरह से स्लाइसेस में कर लिया है। और यहाँ हमारे पास पालक है जो कि है 1/2 किलो, यानी 1 पाउंड के आसपास। तो उसको अच्छी तरह पानी में, इस तरह गहरे पानी में धो के रखना होता है और ऊपर से पालक ले लेनी होती है क्योंकि नीचे रेत बैठ जाए। और अगर किसी को पालक काट के और किस तरह से निकालनी है अगर वो देखना है तो मैं यहाँ एक डालती हूँ रेसिपी मुठिए, उसमें मैंने पालक काटी भी है, धोई भी है, निकाली भी है। तो आप वो यहाँ लिंक डालती हूँ, वो देखिएगा, बड़ा इजी सा है अगर न्यू कमर है, कोई न्यू गर्ल है तो, अदरवाइज़ तो बड़ा कॉमन है ये तो। तो चले इसमें अब हम डाल देते हैं अपना आलू। ये चला गया हमारे सारे आलू और अब इसको हम मिर्चों के साथ और ज़ीरे के साथ अच्छे तरह से फ्राई करेंगे। तो बेसिकली हमें इसको फ्राई करना है और कुक कर लेना है, ऑलमोस्ट 50% कुक कर लेना है और बिना कुछ डाले मसाले। आलू की ये खूबी है कि आलू में अगर आप मसाले नहीं डालेंगे तो वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, जैसे मसाले पड़ेंगे तो वो थोड़ा स्लो हो जाएंगे और उसका टेक्सचर भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो इसको हमें बिना किसी मसाले डाले हुए फ्राई करना है। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तकरीबन 7 मिनट लगे इसको फ्राई होने में। अब ये दिख रहा है कि ये थोड़े बहुत फ्राई हो गए हैं, 60% हो गए हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पी टाइप के दिख रहे हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो वो जब हमने आलू डाले उससे पहले आप फ्राई करके निकाल लें और फिर आलू फ्राई करने के बाद दोबारा डाल दें। तो ये 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज है और इसमें जाएगा 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, मतलब 3G पेस्ट, तीनों 1-1 टीस्पून फुल भर के है। तो चले अब इसके साथ हम इसको फ्राई करते हैं। ये हमारी यहाँ ऑल टाइम फेवरेट चीज़ है, यानी इतनी अच्छी लगती है कि अनएक्सपेक्टेड हमेशा ही जब भी बनाती हूँ कैसे कि वाह भाई मज़ा आ गया, पूरी फैमिली को बहुत अच्छी लगती है। सिंपल भी है और हेल्दी भी है, हमें पालक भी खानी चाहिए, बहुत उसमें आयरन है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मेथी भी की भाजी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ पालक की ज़्यादा बनती है या फिर आलू मेथी बनती है, किसी दिन वो भी बनाएंगे। तो बस इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चले 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो गया फ्राई करते हुए, अब हम अपने मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। तो चल ये सब चला गया इसमें।
देखिए एक मिनट हो गई है मसालों के साथ फ्राई होते हुए। अब हम अपनी प्यारी प्यारी पालक को डाल देते हैं। चलिए अब इसको हम 30 सेकंड के लिए इस पर टमाटो प्यूरी डालेंगे आधा कप। अगर ना हो तो दो दरमियाने टमाटर ले लें, उसको पीस लें। चले अब इसको हम कवर कर देंगे 30 सेकंड के लिए। ये हमारी पालक है, इसमें स्टीम कलेक्ट हो जाएगी और ये जो इतनी फूली फूली है ये 30 सेकंड में इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। देखिए 30 सेकंड हो गई और ये देखें हमारे ढक्कन पे अच्छी खासी स्टीम कलेक्ट हो गई है, इसका मतलब उसमें भी मॉइस्चर आ गया है पालक में। तो चलिए इसको निकालते हैं और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वो क्या होता है कि जब पालक डालते के साथ हिलाने लग जाते हैं ना, तो पालक फूली भी बहुत होती है और बहुत सारी होती है, फिर पकने के बाद तो थोड़ी हो जाती है। जब हिलाने लगते हैं ना तो वो क्या है, यहाँ गिर रही है, वहाँ गिर रही है, वो सारा अवॉइड भी हो गया, पालक को बेचारे को रेस्ट भी मिल गया, आलू के साथ मिक्स होने का टाइम भी मिल गया। अब ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो रही है। चूल्हा हमारा हाई है, खतरनाक खुशबूएं आ रही हैं, शानदार सी। ये रोटियों के साथ, खिचड़ी के साथ इतना मज़े का लगता है। चले अब हमारे आलू तो अब भूनते भूनते 95% हो गए हैं, तो अब हमें इतना ही कवर करना है कि ये आपस में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए जायका इनका और पालक थोड़ी सी पक जाए। तो चले इसको कवर करते हैं, हम चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, मीडियम हाई कर देते हैं और बस इसको हम 5 मिनट के अंदर अंदर चूल्हा बंद कर देंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। देखें 5-6 मिनट हो गई और खुशबूएं शानदार आ रही है और अब हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको निकालते हैं। ये देखें कितना ख़तरनाक लग रहा है, ये देखें आप। देखा कैसा झटपट हमारा ज़बरदस्त सा आलू पालक बन गया। अगर आप चाहें तो इसको आप माइल्डर वर्जन भी बना सकते हैं, मिर्चों को थोड़ा थोड़ा कम कर दें, लेकिन हमारे यहाँ ये चटपटा सा आलू पालक ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। हाय हाय इतनी अच्छी खुशबूएँ आ रही हैं और गले गले से आलू इसमें बड़े अच्छे लगते हैं। एक बड़ा सा बाइट मेरे लिए। इसका मज़ा ही अलग है, बहुत टेंडर से गले हुए से आलू और खूब मसालेदार उसमें पालक और सब, गजब का है, ख़तरनाक। एक और ट्राई करती हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो ये आप लोगों के लिए। रोटियों में तो बहुत मज़े का लगता है, खिचड़ी में भी बड़ा मज़े का लगता है। अब आप लोग जाएं जल्दी जल्दी बनाएं, हेल्दी हेल्दी मज़ेदार सा चटपटा सा मज़े करें, मज़े करवाएं। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, शायद फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।